हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द रियल लाइफ विद अंशु में। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ अपनी विंटर गार्डन का लुक जो और थोड़ी सी मेरे DIYs जो कि मैंने खुद बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था अपना नीचे वाला गार्डन, तो वहाँ पे थोड़ा ना सन का प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ विंटर्स में धूप नहीं आती है, तो मैंने अपने गार्डन को नीचे से ऊपर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो मैं आप लोगों को मतलब पूरा यहाँ पे व्यू दिखाऊंगी और आई होप आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, कि आप लोग पूरा मेरा वीडियो लास्ट तक देखना। हो सकता है क्या पता लास्ट में आपको थोड़ा कुछ अच्छा लग जाए। तो आज ये मेरा सेकंड डे है। कल मैंने ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दिया था, तो आज मैं थोड़े से DIYs बनाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बार अपना गार्डन दिखा देती हूँ। तो यहाँ ये कुछ प्लांटर्स हैं जिन पे मुझे पेंट करना है, और ये थोड़े ऊपर प्लांट्स रखे हैं जिनके लिए मुझे पॉट्स बनाने हैं। कल ये सारे प्लांट्स मैंने अरेंज किए थे, और यहाँ मैंने पूरे में कलर नहीं किया था, मैंने केवल इस वाले वॉल पे कलर किया था। एक्चुअल में मेरे पे इतना पेंट था नहीं कि मैं पूरी वॉल पे कर सकूँ, तो मैंने केवल उस वाले पोर्शन में कलर कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला DIY। तो ये है पहला DIY। इसमें ये मेरी पुरानी टूटी हुई गुल्लक है जिसमें मैंने पेंट किया था, तो इसका मैं कम्प्लीट हो चुका है। ये मैंने तोड़ तोड़ के काट कूट के निकाल दिया है ये। तो अब ये बोटल्स कट कर दिए हैं, अब यहाँ मेरी बोटल्स और ये सारे मेरे पॉट्स पेंट हो चुके हैं। मैं इनका सूखने का वेट कर रही हूँ। मैं सूखने के बाद इन पे कुछ जो भी ड्रॉ करना होगा वो उनको सूखने के बाद करूँगी। तो अब यहाँ पे मेरे ये पॉट्स और ये बोटल्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, सूख चुके हैं, और मैंने इन पे ड्रॉ भी कर दिया है। और ये डॉल है, पीछे पाइनएप्पल प्लांटर है, किटन प्लांटर है, बी है, बल्ब्स हैं, स्टोन्स हैं, और ये पीछे ठाकुर ठाकुराइन, और ये वॉल। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।